हाय गाइस एंड वेलकम बैक. मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो करा था हाउ टू पोज इन अ सारी, एंड उस वीडियो के एंड में मैंने पूछा था इफ़ यू वुड लाइक टू सी कि शरारा सूट्स, अनारकली एंड इन जनरल अदर आउटफिट्स में मैं कैसे पोज करती हूँ. एंड सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ यू गाइस वांटेड टू सी अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. कैसे कि एज यू कैन सी मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब अभी मैंने रेगुलर कपड़े पहने हैं. आई थॉट कि ईद का मौका है, सो ऑल फॉर ऑल माई गर्ल्स हु विल बी सेलिब्रेटिंग ईद, या फिर अगर आपका कोई प्लान है शादी में जाने का और आप शरारा पहनने वाले हो, आई थॉट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ आज. आई मीन शरारा ही पहनूंगी, बट कैसा शरारा पहन रही हूँ वो छोटा सा एक गेट रेडी विद मी प्रोसेस भी शेयर करती हूँ. और आज मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी करने वाली हूँ, एज इन मैंने आज तक कभी वो पासा होता है जो साइड में लगाते हैं, मैंने वो कभी भी नहीं लगाया है. सो आज मैं फर्स्ट टाइम वो लगाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाया और मुझ पर कैसा लग रहा है. आई होप अच्छा लगेगा. सो वो एक छोटा सा प्रोसेस मैं शेयर करूँगी बिफोर वी गेट इन टू हाउ टू पोज पार्ट ऑफ द वीडियो. सो आई रियली होप आपको अच्छा लगेगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शरारा पहनने वाली हूँ, किस कलर का है, उस पर कैसा काम है और वो सब. सो गाइज, दिस इज़ द आउटफिट दैट आई विल बी वेयरिंग. ये कुर्ता है, ये दुपट्टा है और ये शरारा है. मैं आपको पास से इनका काम दिखाती हूँ और बताती हूँ इस पर कैसा काम हो रखा है. सबसे पहले कुर्ते की बात करते हैं. सो कुर्ते पर एक्चुअली मिक्स वर्क है, कहीं कहीं मिरर वर्क है, देन यू कैन सी यहाँ पे बीडिंग भी है और सीक्वेंट भी लगी हुई है. एक्चुअली पूरे कुर्ते पे इस पैटर्न में सीक्वेंट लगी हुई है. एंड देन ये बाजू है, पूरी बाजू है इसकी, और स्कैलप डिटेलिंग है एट द हेम, इधर भी है और इधर भी है लोअर में. एंड देन दे हैव द सेम डिटेलिंग हियर एज वेल ऑन द दुपट्टा. देखना दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है, और इस पर ये छोटा छोटे सीक्वेंट भी लगे हुए हैं. सो जो भी एक्चुअली आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लाइक दिस काइंड ऑफ कलर्स आर इन ट्रेंड, आजकल लोग ग्रेविटेट कर रहे हैं टूवर्ड्स लाइटर कलर, जैसे पेजेस, आइवरी. आलिया ने भी पहना था ऐसा ही कलर अपनी शादी पर. सो मुझे भी एक्चुअली इस टाइप के कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, बिकॉज आपने एक सटल कलर लिया बट आपने उसको एनहांस कर दिया विद गोल्डनिश एम्ब्रॉयडरी, जरी का काम, कहीं सीक्वेंट लगा दी. तो वो कॉम्बिनेशन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. इट इज़ सटल बट इट इज़ वेरी क्लासी एट द सेम टाइम. और फिर ऐसा ही इसका ये लोअर है, ये शरारा है, और इस पर देखना कितना सुंदर काम हो रखा है. जब मैंने देखा ना, मुझे लगा वाओ, दिस इज़ सो क्लासी, सो ग्रैंड एंड येट सो एलिगेंट. आई मीन एक सटल एलिगेंस होती है ना, वो इसमें है. और फिर इसका मैं आपको लोअर में एंड में दिखाती हूँ. सो इस पर भी ये नीचे की तरफ ऐसे स्कैलप्स लगी हैं, हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ. ये इसके बॉटम पर भी ऐसे स्कैलप डिटेलिंग है. और जब मैं ये खरीद रही थी, आई मीन अब तक तो आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझ आ गया होगा. मैंने उसी समय ये भी सोच लिया कि इसकी रीस्टाइलिंग कैसी होगी, कुछ टाइम में आपको ये रीस्टाइल भी दिखाई देगा. बट या, दिस इज़ द आउटफिट दैट आई विल बी वेयरिंग. मैं आपको पासा भी दिखाती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ. सो ये है जो मैं पासा पहनने वाली हूँ. इससे परफेक्टली मैच हो रहा है. जब मैं देख रही थी ना किस टाइप का पासा पहनूँ, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कलर लेती हूँ जिसमें आई मीन कोई कलर नहीं होगा, इट विल बी मोस्टली गोल्डन विद वाइट बीड्स, ताकि ऐसा ना हो अगर मैं कोई कलर वाला भी शरारा गरारा पहन रही हूँ तो ये उसके साथ अच्छा ना लगे. सो ये है, थोड़ा सा बड़ा है, सो आई एम नॉट श्योर ये मेरे फेस पर सूट करेगा नहीं करेगा, और मैंने ना कभी पहने भी नहीं हैं पासे. सो मैं सूट पहन कर आई, कुर्ता पहन कर आई, फिर मैं ये इसे पहनती हूँ एंड लेट्स सी कैसा लगता है. इट्स टाइम टू वेयर द पासा. मैंने पासे में एक ऐसे लंबा धागा लगाया है जिसे पकड़ के मैं इसे आई मीन इस धागे को बालों में डालूंगी और फिर मैं इसको हैंग करूंगी. काफ़ी भारी है ये, तो लेट्स सी, आई डोंट नो कैसे लगेगा. नीचे की तरफ ले जा रही हूँ मैं. What do you guys think? सूट कर रहा है मेरे पे, बड़ा लग रहा है. लिपस्टिक लगाते हैं फिर सोचती हूँ. मैंने इससे पहले मैक मेहर लगाई थी, सो ये कलर आया है. मैं एक लिपस्टिक और लाई हूँ, एक मिनट.
ये मेरे पास ना रिमल की एक लिपस्टिक है एंड इट बेसिकली वॉशेज मी आउट. सो मैं इस लिपस्टिक को लगाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट दिस कलर टू बी अ लिटिल लाइटर. गाइस सो हियर आई एम. बड़ा काम हो गया, फोटोग्राफ्स खिंच गई. और फोटो खिंचते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया दैट वाज अपने बालों को जूड़े में बनाया ताकि मैं फाइनली सांस ले पाऊँ. और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे पोज किया. कुछ बेसिक टिप्स दूंगी, अगर आप अनारकली पहन रहे हैं, शरारा पहन रहे हैं शादी में या ईद पर, तो आप कैसे पोज कर सकते हैं ताकि फोटोग्राफ्स डिसेंट अच्छी आए और जितनी मेहनत करी है वो दिखाई दे. ओके सो सबसे पहली टिप होगी रिगार्डिंग सिटिंग एट अ स्लाइट एंगल. अगर आप ग्रुप फोटोग्राफ भी कर रहे हैं या फिर आप सिंगल अपनी भी फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, कोशिश करें कि स्लाइटली टिल्टेड बैठें. टेढ़ा नहीं बैठना, जैसे ऐसे सीधा बैठते हैं अभी, हल्का सा टेढ़ा, बस इतना सा करना है. देयर इज समथिंग अबाउट दिस लुक कि ग्रेसफुल लगती है फोटोग्राफ. आपने साड़ी पहननी है, आपने सूट पहना है, आपने अनारकली कुछ भी आपने पहना है, स्लाइटली टिल्टेड होकर बैठो. साड़ी पहनी है तो इस साइड से फिर पल्लू दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है. अगर शरारा भी पहना है और पैंट पर वर्क है, पूरा दिखाई देता है. देन द सेकेंड टिप वुड बी कीप योर हैंड्स एंड फीट लाइक हैंड्स एंड लेग्स अवे फ्रॉम द बॉडी. एज इन कि जब आप फोटो खिंचवाएं तो थोड़ी सी स्पेस दें फॉर लाइट टू पास. इससे क्या होता है कि बॉडी की शेप फोटोग्राफ में आती है. जैसे अगर अभी मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, मैं ऐसे बैठ जाऊँ, अब बताओ मैं आलू की बोरी नहीं लगूंगी तो क्या लगूंगी. सो कमर सीधी करी, हाथ अगर ऐसा कुछ है उस पर रखो और इस तरीके से बैठो. इससे क्या होगा, यहाँ से लाइट पास हो रही है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, लग रहा है कि इंसान में कोई फिगर है, कोई शेप है और कपड़ा भी अच्छे से दिखाई दे रहा है. सो दैट वुड बी सेकेंड टिप. फिर तीसरी टिप मेरी होगी कि अगर आप अनारकली पहन रहे हैं और अनारकली जब भी पहनते हैं मन करता है उसका घेरा अच्छे से दिखाई दे, कुछ इस तरीके से फ़ोटो खींचे, तो मेरा तो बेस्ट होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं बस अनारकली को ऐसे एक हाथ में पकड़ के घूम रही हूँ, तुम बस क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड आई थिंक एक ना एक फ़ोटो तो आ जाती है. बस आपको अनारकली की एक टिप पकड़ के ऐसे पूरा मत घूमना, फिर बहुत सारी फोटोग्राफ्स ब्लर आएंगी. थोड़ा सा हल्का सा ऐसे किया और स्माइल करते रहना, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं घूम रही हूँ और मेरा फेस की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं. सो स्माइल करी और हल्का सा एज पकड़ा और घेरे का और उसको ऐसे ऐसे कर लिया. सो ये एक और मेजर टिप होगी अनारकलीज के लिए. देन एक और टिप मेरी होगी कि हाथ के साथ क्या करें, क्योंकि कई बार मैंने रियलाइज़ करा है कि फ़ोटो तो अच्छी होती है बट अगर हाथ ऐसे पड़े हों तो फिर पता नहीं पूरी फ़ोटो का मज़ा किरकिरा हो जाता है. सो मेरा एक तो गो टू होता है कि अगर ऐसी किसी चेयर पर बैठे हैं तो ऐसे हाथ रख लिया, सिंपल रेस्टेड ऐसे हाथ पकड़ लिया, या फिर अगर बैग है हाथ में बैग पकड़ लिया. बैग से हमेशा प्रॉप भी ऐड हो जाता है, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है पिक्चर में, और हाथ भी खाली नहीं रहते. दुपट्टा है तो दुपट्टे से खेल लो, दुपट्टा पकड़ लो. जो इस तरीके से एक दो चीज़ें कर सकते हैं हाथों के साथ. सिंपल भी अगर कुछ भी नहीं है हाथ में तो मेरा तो गो टू है. और एक बार मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज भी करके कहा था कि प्रेरणा मैंने आपकी तरह फ़ोटो खिंचवाई तो मैंने अपनी उंगली को उंगली से पकड़ लिया पोज करने के लिए. तो मैं कभी कभी ऐसे भी कर लेती हूँ. देन एक टिप मेरी होगी कि दुपट्टा, अगर आपने सूट पहना है तो दुपट्टा सेटिंग कई बार थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. मैंने रियलाइज़ करा है कि अगर दुपट्टा सिंपल प्लीटेड भी हो, जैसे यहाँ पर मैंने प्रॉपर प्लीट भी नहीं करा है बट हल्का सा दुपट्टा इस तरीके से मैंने प्लीट किया हुआ है, तो उससे ना फोटो में दुपट्टा संभालना आसान हो जाता है. जब मैं दुपट्टा प्लीट नहीं करती थी और बिना पिन लगाए उसमें पोज करती हूँ सूट में, तो मैंने ऐसे रियलाइज़ करा है आधे टाइम तो मैं अपना दुपट्टा सेट करती रहती हूँ, देन फोटोग्राफर भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है. अगर हस्बैंड भी है ही इज़ अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो, कितनी देर दुपट्टा एडजस्ट करोगे. सो हल्का सा पिन अप कर लो ताकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक हैंडल ना करना, और ये साइड तो खुली है, यहाँ से खोल के आप पोज कर लो. देन एक और टिप मेरी होगी कि जब आप कई बार बैठते हैं, बैठकर मुझे पर्सनली बैठी हुई फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि खड़ी फोटो में हाँ ठीक है कपड़े अच्छे से दिखाई देते हैं, बट बैठकर एक जो कैरेक्टर ऐड हो जाता है ना पिक्चर में, आई फील वो एक हल्का सा कैजुअलनेस ऐड करता है टू द फोटो. सो मुझे बैठकर फोटोग्राफ खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है. सो कई बार आप जब स्ट्रेट फिट कुर्ते में बैठोगे, जैसे अभी मैं इसमें बैठी हूँ, कुर्ता यहाँ से मुड़ जाता है, फिर आप कभी ऐसे बैठे हो फिर ये सब दिख रहा है, थोड़ा सा अनटाइडी लगता है. तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, एक तो आप इस तरीके से
आपने अपना दुपट्टा हाथ में रखा और ऐसे बैठ गए. तो ये एक बड़ा स्मार्ट तरीका है. और ऑफकोर्स इसको कमर सीधी करना, नहीं तो फिर ऐसे आएगा. सीधा करके जो पेट एरिया है वहाँ पे आपका दुपट्टा आ गया. सो ये एक टिप होगी. दूसरी टिप होगी कि आप अपना, अगर नहीं दुपट्टा ऐसे रखना, आपको सिंपल रखना है, तो अपना हाथ ऐसे कर लो, लाइक ऐसे हाथ करके बैठ जाओ, तो भी वो छुप जाता है. देन एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो कभी कभी हम जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स देखते हैं या और लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, तो आप देखते हो कि उन्होंने ना ऐसे चिन पर हाथ रखा होता है और बड़े अमेजिंग तरीके से उनकी पिक्चर आई होती है. सो ये पोज मैं बहुत टाइम से ट्राई करी थी एंड आई फील लाइक अब जाके मेरा वो पोज ढंग से आना शुरू हुआ है. एंड आई टेल यू कि मैं क्या मिस्टेक करती थी. तो जब मैं ऐसे करके बैठती थी ना, व्हाट आई वुड डू इज कि मैं अपने चिन का सारा वेट ना ऐसे करके ऐसे डाल देती थी. वो फोटोग्राफ में अच्छा नहीं लगता. व्हाट यू हैव टू डू इज कि फेस रेस्टेड रखो और हाथ को बस ऐसे टच करो. इस पर ये करोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आता. बस ऐसे करके ऐसे बैठ गए तो भी बहुत ज़बरदस्त पिक्चर आ जाती है. सो ये एक और चीज़ का आप ध्यान रखना. और एक लास्ट फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहती थी ऑन हाउ टू पोज, दैट वुड बी कि डोंट कंपेयर योर पिक्चर्स टू प्रोफेशनल्स. एज आई एम टेलिंग इट टू यू, मैं खुद को भी बता रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन देयर एंड आई हैव डन दैट एंड आई स्टिल डू इट. सो दिस इज़ लाइक अ जेंटल रिमाइंडर फॉर एवरी वन कि फेस्टिवल है या शादी है, जस्ट एन्जॉय. फोटो आ गई ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो सारा टाइम बस फोटोग्राफ क्लिक करने में ही निकल जाए एंड एन्जॉय हम कर ही ना पाए. सो बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड ईद मुबारक टू ऑल माई गर्ल्स हु विल बी सेलिब्रेटिंग ईद. बाकी लोगों के लिए तो वेडिंग सीजन चल रहा है. मुझे खुद अभी वीकेंड पर जाना है. मेरा एक वेडिंग ट्रेंड्स का वीडियो का मैं काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और पेंडिंग है, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप अपना ध्यान रखना एंड एन्जॉय. बाय.